दोस्तों, अगर आप भी भारत की टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी अभी भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज समाप्त हुई है और इस सीरीज के सभी मुकाबले रोमांच से भरे हुए थे, लेकिन आखिरी मुकाबले में बारिश की वजह से इस सीरीज का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका, जिससे सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। लेकिन दोस्तों, अब बारी है भारत बनाम आयरलैंड सीरीज की। भारतीय टीम 2 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए आयरलैंड जा चुकी है और इस बार भारत की टीम एक नए अवतार में नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में ना ही हमें रोहित शर्मा दिखाई देंगे और ना ही कोहली और बुमराह। भारतीय सिलेक्टर्स ने इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को नजर रखते हुए आयरलैंड के दौरे पर नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिसकी कप्तानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या संभालेंगे। हार्दिक पांड्या ने अभी अभी IPL में शानदार प्रदर्शन दिखाया था और गुजरात टाइटंस की टीम को IPL 2022 की ट्रॉफी जीतकर दे दी। दोस्तों, बात करें भारत और आयरलैंड के बीच पहले T20 मुकाबले की, तो आपको बताते चलें कि पहला T20 मुकाबला डबलिन के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और ये मुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या भारत की टीम आयरलैंड को पहले T20 मुकाबले में हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत और आयरलैंड की टीमें आपस में 3 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें भारत की टीम ने तीनों ही मुकाबले अपने नाम कर रखे हैं, जबकि आयरलैंड की टीम एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर पाई है। वैसे रिकॉर्ड के साथ अगर मौजूदा भारतीय टीम पर नजर डालें तो भारत की टीम आयरलैंड के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैदान के चारों ओर स्टैंड न होने की वजह से हवा का दबाव ज्यादा रहेगा, जिससे गेंदबाजों को ज्यादा स्विंग मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ बल्लेबाजों को भी इस पिच पर काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर हमें एक हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पहले T20 मुकाबले में हमें कुछ बढ़िया हेड टू हेड मुकाबले भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ईशान किशन जोशुआ लिटिल से भिड़ते हुए नजर आएंगे और दूसरी ओर हार्दिक पांड्या और डोकरेल का मुकाबला भी देखने लायक होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में, तो आपको बताते चलें कि इस बार भारत की टीम में नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसकी वजह से भारत की टीम एक नए अंदाज में नजर आ रही है। और अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो हमें पहले T20 मुकाबले में प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ऋतुराज गायकवाड़ दिखाई देंगे, नंबर 2 पर होंगे ईशान किशन और नंबर 3 पर होंगे संजू सैमसन, उसके बाद नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर कप्तान हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर अवेश खान, जबकि नंबर 11 पर युजवेंद्र चाहल खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस मुकाबले को लाइव में देखना चाहते हैं तो आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच को लाइव में देख सकते हैं, और अगर आप इस मैच को लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस मुकाबले की हर नई खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे।